चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। मोदी सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। महिला आरक्षण बिल मोदी कैबिनेट में पास हो चुका है। महिला आरक्षण बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और आज नई संसद भवन में यह बिल जो है वो पेश किया जाएगा। महिला आरक्षण बिल आज पेश होगा और यह एक ऐतिहासिक फैसला होगा। इस तरह से हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी भी बता रहे थे कि यह बिल काफी महत्वपूर्ण है और अगर ये बिल पेश किया जाता है तो राजनीतिक स्वरूप जो है वो बदल जाएगा लोकसभा का और विधानसभाओं का भी। तो संसद की कार्यवाही आज होगी, नए भवन में होगी और नए भवन में इस कार्यवाही के दौरान आज ये बिल पेश किया जाने की संभावना है। महिला आरक्षण बिल आज पेश किया जाएगा और ये बड़ी एक बड़ा बदलाव होगा देश की सियासत के हिसाब से, देश की राजनीति के हिसाब से। महिला आरक्षण बिल को कैबिनेट में मंजूरी मिल चुकी है। आज संसद के स्पेशल सेशन का दूसरा दिन और इस सत्र के दौरान, सत्र की कार्यवाही के दौरान आज ये बिल जो है वो पेश किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की कल बैठक हुई थी, पीएम मोदी ने अध्यक्षता की और महिला आरक्षण बिल को कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिली है। बिल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है। तो ये अपने आप में काफी अहम बिल रहने वाला है। रेणु भाटिया जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। रेणु भाटिया जी आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। शुक्रिया जितेंद्र। रेणु जी एक ऐतिहासिक फैसला आज ले जाने की संभावना है। महिला आरक्षण बिल आज देश की संसद में पेश किया जाएगा, सदन में पेश किया जाएगा, किस तरह से देख रही हैं इस बदलाव को? देखिए जितेंद्र जी, इससे खुशी के क्षण, इससे मान के क्षण, सम्मान के क्षण महिलाओं के लिए और कोई नहीं हो सकते कि जो बात 27 वर्षों तक रुकी हुई थी वो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी कैबिनेट ने कल उसको मंजूरी दी और आज वो संसद में जो है बताया जाने वाला है। मुझे लगता है महिलाओं का इससे ज्यादा सम्मान अगर कोई कर सकता तो वो केवल मोदी जी और उनकी टीम है और महिलाओं को इससे ज्यादा गर्व कभी नहीं मिला और अपने आप में परिपूर्ण हो गई महिलाएं अपने क्षेत्रों में अपने स्थानों पर परचम लहराने के लिए उनको जो एक मौका मिला है, मुझे लगता है इससे बढ़िया मौका, इससे बढ़िया सम्मान कभी नहीं मिल सकता। देश की सियासत में आने वाले भविष्य में किस तरह के बदलाव आप देख रही हैं? क्योंकि अगर 33% आरक्षण महिलाओं को होगा यानी कि महिलाओं की जो सहभागिता है वो बढ़ेगी, तो किस तरह के बदलाव आने वाले भविष्य में? देखिए जिस प्रकार से हम महिलाओं को कहते हैं कि वो अपने दो परिवारों को बहुत मजबूती से संभालती है, ऐसे ही जब लीडरशिप में महिलाएं आएंगी, राजनीति में उनका आरक्षण जो दिया गया है उसमें जब महिलाएं आएंगी तो वो अपने देश अपने राज्य को बहुत मजबूती से संभालेंगी। कुछ महिलाएं लोकसभा राज्यसभा में आएंगी, कुछ महिलाएं विधानसभाओं में जाएंगी, तो वो अपने अपने क्षेत्रों को कितनी मजबूती से संभालेंगी इसका अंदाजा आप आने वाले वर्षों में देखेंगे। इसीलिए लीडरशिप में महिलाएं आगे मानी जाती हैं। हमेशा से ही महिलाओं को एक बाय बर्थ लीडरशिप क्वालिटी होती है, उसको निखारने का उभारने का एक जो है डायनामिक मौका महिलाओं को संसद के लिए और विधानसभाओं के लिए सरकार ने दिया है। मैं माननीय मोदी जी और उनकी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने महिलाओं की गरिमा को समझा, उन्होंने महिलाओं के क्वालिटी को समझा और उसको बाहर निखारने के लिए ये कदम उठाया। महिलाओं के लिहाज से विशेष रूप से अगर देखा जाए तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको आसानी से अब महिलाएं उठा पाएंगी और उनका समाधान हो पाएगा? देखिए हर मुद्दा जो देश से जुड़ा हुआ है, समाज से जुड़ा हुआ है, महिलाओं से जुड़ा हुआ है, आने वाले फ्यूचर से जुड़ा हुआ है, महिलाएं उसको बहुत अच्छे तरीके से रख सकती हैं। क्योंकि एक महिला जब अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए दूरदर्शिता से सोचती है, मजबूती से सोचती है, एक लॉन्गर विजन रखती है, तो वो समाज के लिए,
देश के लिए, अपने राज्य के लिए कितना मजबूत विजन रखेगी, इस चीज को हमें समझना होगा। और उसको एक मौका मिल जाए अगर बोलने का, रखने का, अपनी बात को मजबूती से कहने का, तो मुझे लगता है कहीं पर भी हमारा देश पीछे नहीं होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया रेणु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने अपनी महत्वपूर्ण बातें रखी, अपने महत्वपूर्ण विचार आपने हमारे साथ साझा किए। तो 33% महिला आरक्षण बिल, ये आज पेश किया जाने की पूरी संभावना है सदन में, और मोदी कैबिनेट की तरफ से मंजूर किया जा चुका है, जिस तरह की जानकारी सामने आई। रेणु भाटिया हमारे साथ जुड़ी है, महिला आयोग की अध्यक्ष, उन्होंने भी इस बिल का स्वागत किया है और इस बिल को महिलाओं के लिए विशेष रूप से काफी महत्वपूर्ण उन्होंने माना, क्योंकि इसके बाद महिलाओं को 33% जब आरक्षण मिलेगा तो महिलाओं की सहभागिता बढ़ेगी और देश में कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे।